तो गुरु लोग बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई दृश्यम 2 मूवी का, जहां इस साल रिलीज हुई 20 से भी ज्यादा रीमेक मूवीज बॉलीवुड में, पर सारी की सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह पिट गई। जहां आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से लेकर ऋतिक रोशन की मास मूवी विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वहीं अक्षय कुमार की इस साल 4 में से 2 मूवी तो रीमेक थी, बट रीमेक के साथ साथ ओरिजिनल मूवी भी बहुत बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। वहीं दृश्यम मूवी दुनिया में सबसे ज्यादा बार रीमेक बनने वाली मूवी है और इसकी हर एक रीमेक सुपरहिट साबित हुई है। वहीं अजय देवगन ने दृश्यम 2 मूवी के रीमेक के साथ साबित कर दिया है कि अगर मूवी की स्टोरी के साथ लॉयल हो तो लोग मूवी को पसंद करते हैं। मूवी को रिलीज होकर 3 दिन पूरे हो चुके हैं, पर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां पहले शुक्रवार को मूवी ने कमाए 15.38 करोड़ और उसी के साथ बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ली। पहले नंबर पे है ब्रह्मास्त्र, जिसकी पहले दिन की कमाई थी 36 करोड़। वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को मूवी ने कमाए 40% ग्रोथ के साथ 21.59 करोड़। तीसरे दिन रविवार को दृश्यम 2 मूवी ने सारे थिएटर्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगवा दिया और साबित कर दिया कि अजय देवगन बॉलीवुड को झुकने नहीं देगा, और इसी के साथ 27.17 करोड़ का कलेक्शन किया। पहले वीकेंड का कलेक्शन हुआ 64.14 करोड़। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आज पहले सोमवार को कितना कलेक्शन करेगी। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।